मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। महाराष्ट्र में एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी सियासत को बता रहे कि हमने विकास किया है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे इलाकों में आज भी कैसे झोपड़पट्टियों के लोग बिना विकास के जीते हैं, ये मैं आज उरण से बता रहा हूँ। उरण के एक झोपड़पट्टी में मैं खड़ा हूँ और ये एक रास्ता है, ये एक बहुत बड़ा रास्ता है और इसी रास्ते से आप अगर आएंगे तो इसी रास्ते के पीछे एक ऐसा झोपड़पट्टी है। इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि ये नेताओं तक बात पहुँचे कि ये झोपड़पट्टी के लोग आखिर कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। अब यहाँ से आप शुरुआत करेंगे तो ये सबसे पहला ये झोपड़पट्टियों का जो इलाका है, लगभग 200-250 ऐसे तमाम इस जगह पर बस्तियाँ बनाई गई है और ये झोपड़पट्टी लगभग 50 वर्ष अधिक पुरानी है। और ये पुरानी जो झोपड़पट्टी है इनकी विकास के हालात देखिए कि आज पानी के लिए इस कदर जो है संघर्ष करना पड़ता है, जहाँ पर विधानसभा और एक तरफ चुनाव और इस तमाम चुनाव के बीच इस तरीके की एक तस्वीर जो कि महाराष्ट्र जैसे इलाके की। और ये सबसे हैरानी की बात ये कि नवी मुंबई से सटा हुआ इलाका है और यानी नवी मुंबई आज जहां विकास के लिए बड़े बड़े करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां पर नवी मुंबई में जो उरण झोपड़पट्टी के ये जो रहवासी है इनके लिए जगह नहीं है। अब यहां पर देखिए कि ये कैसे जाते हैं, इनका ये रोज़ाना का रास्ता है। ये चौकी मत कि हम आकर के दिखा रहे, इस जगह से ये लोगों का रास्ता ही ऐसा है कि यहां पर इन्हें ऐसे ही संघर्ष करके जाना पड़ता है। अब इस जगह के वो साइड की सच्चाई जो है आप देखेंगे तो आप भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाएंगे कि आज भी झोपड़पट्टी जैसे इलाकों में इस तरीके का रास्ता है। यहाँ से आप सोचिए कि रोज़ाना महिलाएं आती है, बुज़ुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं और मैयतें भी आती है। अब यहाँ से मैं जो है आपको दिखा दूँ कि यहाँ से ऐसा बिल्कुल जो है ये रास्ते से ऐसा झुक करके जाना पड़ता है और बिल्कुल आप देखिए कि ये कंडीशन, ये जगह से लोगों को आना जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई विचार भी नहीं है कि यहाँ से ये आ जा सके। आप देखिए कि कितना संघर्ष करके यहाँ से उन्हें आना जाना पड़ता है। और यहाँ राइट से आप देखिए कि ये रास्ता और इस रास्ते का भी हाल देखिए कि यहाँ पर एक रास्ता भी बिल्कुल नहीं है कि यहाँ के चुने हुए जो तमाम जनप्रतिनिधि होंगे उनके आँख खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी जगह से अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस गली का हाल देखिए, आपकी ये गली का हाल ऐसा है कि यानी चुनाव के लिए नेता प्रचार करते हैं, करोड़ों रुपया फंड पास करते हैं, लेकिन ये करोड़ों रुपया और ये तमाम फंड आज कैसे यूज़ होता है या कैसे भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता है इस जगह के रास्ते को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल यही एक रास्ता है जिस रास्ते से मैं आया और यही वो जगह है जिस रास्ते से लोग रोज़ाना आ रहे जा रहे और अपनी ज़िंदगी को यहाँ से दाव पर लगा कर रोज़ाना आते जाते हैं क्योंकि इनके पास और कोई यहाँ पर नेता नहीं है जो इनके दुख दर्द को सुनेगा और इस जगह से रोज़ जो है आकर के इनके लिए वोट मांगेगा। अब यहाँ से हम आपको आगे जाकर के लोगों के प्रतिक्रिया सुनाएंगे कि उन लोगों का क्या हालचाल है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे इलाके में जैसे लोकसभा का चुनाव है और नेताओं का अलग अलग जगह पर दौरा चल रहा है तो उसी में उरण की ये तस्वीर है और इस तस्वीर पर भी गौर डालने की यहाँ के नेताओं को ज़रूरत है। महेश बाल्दी करके यहाँ के विधायक है जो इसी चुनावी क्षेत्र से जीत कर तो ज़रूर गए लेकिन उनका ध्यान और उनकी नज़र इस जगह पर आज तक पड़ी नहीं। उम्मीद करते हैं इस खबर के बाद उनकी नज़र पड़ेगी और ये जो एक उरण का इलाका है जहाँ पर ना रास्ता है और ना ही पानी की व्यवस्था और इसी जगह पर वो रहने को 50 वर्ष से अधिक जो है मजबूर है। अब नवी मुंबई से सटा ये उरण इलाका और इस जगह पर विकास की कमी, इसे कब दूर किया जाएगा और इस जगह पर लोगों को जो सिटी में सहूलत मिलती है उस सिटी जैसी सहूलत इस उरण जैसे इलाकों में भी मिलेगी।